How are you? Let's start. We have to continue yesterday class, that was 8th chapter, class 7th, history. Ishwar se anurag. Ishwar se anurag. Us pe hi baat hogi. To dekhte hain Ishwar se anurag mein aage kya tha. तो हमने महाराष्ट्र के संतों की बात शुरुआत की थी, तो महाराष्ट्र के संतों से बात करते हैं. ठीक है, जरा ध्यान से दीजिए. मैंने कहा था महाराष्ट्र के संत में 13वीं और 17वीं सदी के दरमियान कई संत हुए. संत ज्ञानेश्वर 1175 से 1296 के बीच में देखते हैं. फिर नामदेव, इन्हें भी देखते हैं 1270 से 1350 के बीच में. संत एकनाथ 1544 से 1599 16वीं सदी में. समर्थ गुरु रामदास, जो छत्रपति शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु और उनकी माँ जीजाबाई के भी स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु हुए. संत तुकाराम, जो शिवाजी के समय के संत थे, और ऐसा ही इतिहास में सवाल आता है. ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखना है. संत ज्ञानेश्वर ने जो अपनी वाणियां दी, सेज वर्ड्स कहे, लोगों के बीच में जाकर के समन्वय का पाठ पढ़ाया, जिसको कहते हैं सद्भाव का बात कहना, उनकी वाणियों को, संत ज्ञानेश्वर की वाणियों को ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है. ज्ञानेश्वरी, तो उनकी किताब जो है ज्ञानेश्वरी कहलाती है. हर व्यक्ति के घर में होता है, जैसे हनुमान चालीसा हमारे आपके घर में होता है, वैसे हमारे मराठियों के घर में ज्ञानेश्वरी होता है. संत ज्ञानेश्वर के अलावे संत नामदेव हुए. अपने जीवन में बाय प्रोफेशन वो दर्जी थे, दर्जी का पेशा अपनाए थे, और नामदेव जो हैं ने एक पुस्तक लिखी अपने अच्छे वर्ड्स की, वाणियों की, अभंग नाम से. और अभंग तो जानते हैं, मराठी भक्ति गीत अभंग कहलाता है, तो अभंग की रचना की. और ऐसे ही हुए नामदेव, एकनाथ, तुकाराम. तुकाराम ने भी ऐसे ही एक अभंग की रचना की, मराठी भक्त गीत की. तो ये बात हमने की थी आपसे. ठीक है, अब बात हम आगे बढ़ाएं, यहां पर जो शब्द हैं उसको लेके चले, गौर से ध्यान देंगे. चोखा मैला का पुत्र ने क्या कहा, जिसका नाम था कर्मा मैला, जो हमें तुम छोटी जाति में क्यों पैदा किए, जिंदगी भर जूठन खानी पड़ती है, ऐसे ढेर सारी बातें उन्होंने लिखी. कल ही हम लोग बात किए, तो आपको ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन एक मराठा संत नहीं था, इनमें से कौन एक मराठा महिला संतनी थी, सुखोबाई, और सुखोबाई का समय भी. उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि कर्मा मैला कौन था, तो चोखा मैला परिवार का एक पुत्र था कर्मा मैला, और कर्मा मैला जो था वो महार जाति से था. ये सवाल बनाएगा, तो चोखा मैला का परिवार, कर्मा मैला, ये ही पूछेगा सवाल, ये ध्यान में रखना है. अब गुजरात के एक संत थे नरसिंह मेहता, बताया था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये भी हमारी बात हो गई. अब अगले पॉइंट पर आए, पेज नंबर 110 है, और पॉइंट क्या है वो गौर से सुनिए. बेटा हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नाथ, नाथपंथी, नाथपंथ या नाथपंथी. तो ध्यान से सुनिए, हम देखते हैं समय के साथ नाथपंथी, सिद्ध और योगी
जैसे कुछ व्यक्ति विशेष की परंपरा बनी और वो समय के साथ जो है भक्ति परंपरा में एक नई व्यवस्था आई। आप और हम सभी लोग अपने घर में ईश्वर के प्रति जो उपासना करते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं या बहुत सिमिलर भी होता है। इस्लाम की तरह पूरे विश्व में एक जैसा नहीं होता, लेकिन हम देखें योग पूरे विश्व में एक जैसा है, पर हमारी उपासना पद्धति, चूंकि धर्म अलग है, हमारे इष्ट देव अलग हैं, भूगोल अलग है, अतः पूजा पद्धति पूजा सामग्री भी अलग अलग हो जाते। भारत जैसे विशाल देश में ऐसे कुछ योगी हुए जो अपने हठ योग के अंदाज से पूजा पाठ किए, भक्ति की परंपरा जगाई, सिद्ध हुए जो ध्यान में रहते हठ ही रहते सिद्ध योगी कहलाते, नाथपंथी हुए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जो आपका बुक लिखा है पहले उस पर बात करें। साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना किए, ऐसे आलोचक भक्त संत थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी। ये निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करते, इसके लिए उन्होंने योग शत प्राणायाम चिंतन मनन क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देकर कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। खासकर इसमें नीची कही जाने वाली जातियां आए और काफी लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति भाव से कई गीत रचे और लोकप्रिय शक्तिशाली व्यवस्था के तहत ये जनमानस तक बैठ गया। कुल मिला के समझिए, जो आज उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, बाबा गोरखनाथ एक ऐसे ही नाथपंथी योगी थे, उन्हीं के नाम पर गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे है। बाबा गोरखनाथ के नाम से इसे गोरखपंथी नाथपंथी भी कहा जाता है। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। जो गोरखपंथी होते यानी गोरखनाथ के भक्त होते, शिष्य होते, अनुयायी होते, वो गोरखपंथी नाथपंथी कहलाए। ये लोग जो थे बाबा गोरखनाथ, ये कबीर के समय के थे और कबीर से पहले से चले आ रहे थे। दलित जाति से अधिकांश थे, ब्राह्मणवाद को चुनौती दिए थे। इनकी एक बड़ी पहचान थी कि कान में बड़े बड़े वजनदार कुंडल पहनते थे, कुंडल जिस वजन की वजह से इनके कान जो है छेद होते होते फट जाते थे। आज भी साउथ इंडिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग, जिनके कान फट भी चुके हैं, कई बार सिलाई भी करवा चुके हैं गहने पहनने के लिए। सोने का पहनने का बहुत चलन है साउथ इंडिया में, कितना भारी भारी। तो ये चीजें हैं, तो ये कनफट्टा जोगी भी कहलाए। गोरखनाथ पंथी को कनफट्टा जोगी भी कहते हैं। उसी के पीढ़ी में, गोरखनाथ की पीढ़ी में एक थे मच्छेंद्रनाथ या मत्स्यनाथ, मच्छेंद्र मतलब मछली, मच्छेंद्रनाथ। उस समय में यह सिलसिला चला रहा है। कबीर ने इन पर कई कटाक्ष भी किए हैं, पर समय के साथ है। तो याद रखिएगा, ये गोरखपंथी कहलाए, नाथपंथी कहलाए, कनफट्टा जोगी कहलाए, और वो सब कौन थे? ब्राह्मणवाद को इन्होंने विरोध किया, सामान्य व्यवस्था को अपनाया, आडंबर को दूर किया और भक्ति को सामान्य जनधारा में बहने के लिए विवश कर दिया। अब आइए
इस्लाम और सूफी मत, इस्लाम और सूफी मत का संदर्भ समझिए। जैसे हिंदू सनातन धर्म में, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, इन तमाम जगहों पर भक्ति रस की धारा बही, ठीक वैसे ही इस्लाम में भी जब इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा, इस्लाम में एलिजेंटनेस आया, 570 में मोहम्मद साहब हमारे हजरत साहब पैदा हुए, 632 एडी में उनका इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद खलीफा की व्यवस्था चली और खलीफा की व्यवस्था के तहत 2 वर्षों में इस्लाम पूरे संसार में, नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट यूरोप, इन क्षेत्रों को इस्लामीकरण करने लगे, ताकि उनके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू थी, नए ताकतवर हिम्मत वाले जोश वाले लोग थे, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी भाषा, और उस टाइम में क्रिश्चियनिटी जो है जड़ होती जा रही थी, तो मुसलमान इस्लाम धर्म फैला। 200 वर्षों में 3 महाद्वीपों में बड़ी तीव्र गति से फैला। उसके पीछे मुद्रा भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, इन अरबियन की, भूमध्य सागर के तट को लेकर के, और भारत से तो कंटिन्यू उत्तर दक्षिण से व्यापार चल ही रहा था, तो पूंजी बहुत मायने रखती है। फाइनली जब ये अपने उत्कर्ष पर पहुंचा तो कुछ कमियां भी नजर आने लगी, कुछ जो शेख थे अपने को उच्च मानने लगे, सिया भी उच्च मानने लगे, और कई जो छोटे मोटे कबीले थे जिनका आना हुआ इस्लाम में और उनको सही जगह नहीं मिली, ऐसे कुछ लोग फिर अल्लाह को अपने ढंग से ढूंढने लगे, और भक्ति की निराकार धारा जो थी वो परवान चढ़ी और वो लोग भी आए। सूफ एक शब्द है फारसी भाषा का, ईरान में जिसका अर्थ हुआ ऐसे लोग जो कंबल ओढ़ते हैं और कठिन तपस्या करते हैं अकेले रह करके पहाड़ी कंदराओं में या आम जन से अलग, उन्हें सूफ की वजह से, कंबल की वजह से सूफी कहलाए, और ईरान का मतलब एक ठंडा प्रदेश ही है। गौर से अगर आप उसे, उसके लैटिट्यूड को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कोल्ड रीजन में है। तो इस तरह से ईरान में सूफ से सूफी बना, और ये रहस्यवादी होते, रहस्यवादी विचार में रहते, और वो समय के साथ आम जन तक आए और भक्ति में, भक्ति धारा में सूफीवाद को जोड़ दिया। सूफियों में समय के साथ कई संप्रदाय बढ़ते चले गए। मैं 2-4 का नाम गिनवाऊंगा। चिश्ती संप्रदाय, जिसके जन्म तो ईरान में हुआ, जिसे भारत में लाए ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले, उन्हें भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, सूफी वाद का भारत में संस्थापक माना जाता है, सूफी वाद में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं। उनके मजार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई के महीने में उर्स का मेला लगता है, जो उनके मृत्यु पर होता है, और लोग चादर चढ़ाने कभी भी जा सकते हैं और उस समय में भी जाते हैं। अब हम देखें, ऐसे ही हुआ सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय, और भी संप्रदाय हुए। सुहरावर्दी, कादरी, रोशनिया, ये सब चिश्ती, ये सब सूफियों के संप्रदाय हैं। जैसे अपने यहाँ हुआ ना नाथपंथी, सिद्ध, योगी, अलवार, नैनार, निर्गुण पंथी, सगुण पंथी, वैष्णव, शैव, लिंगायत, वीर शैव, वोकालिंगा, ऐसे ही बेटा उनमें भी हुआ। अब हम देखें, ये सूफी समय के साथ भारत में हर संप्रदाय के लोग आए। सूफियों का सोच, अल्लाह को वो प्रेमी की तरह देखते हैं और खुद को प्रेमिका की तरह देखते हैं। इनका ये कहना है, जिस तरह से एक प्रेमिका अक्सर प्रेमी के लिए बेकरार रहता है मिलने के लिए, बेचैन के लिए,
रहती है, ठीक वैसे ही ये जो बंदा है, बंदा मतलब गुलाम होता है, ये जो बंदा है अल्लाह का बंदा, वो भी बेकरारी वही है, वही बेकरारी वही एटीट्यूड है। इसलिए अल्लाह को वो क्या कहते हैं, खसम। ये पंजाबी में गुरु नानक ने खसम कहा, यानी अल्लाह जो है मासूक हैं, और जो हम और आप सूफी संत हैं वो मासूका हैं, तो वो प्रेमी है, हम प्रेमिका हैं, वो पुरुष का हम स्त्री का। और जब हम मरते हैं तो ये शरीर छोड़ के ये जो आत्मा है परमात्मा में फिर से विलीन हो जाता है, एक हो जाता है, यानी प्रेमिका प्रेमी से मिलता है। अर्थात मृत्यु जो है वह खुशी का पल है, इसलिए मृत्यु पर, सूफी संत के मृत्यु पर खुशियां मनाई जाती है। जैसे मैंने कहा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या उर्स मनाया जाता है, जो खुशी का मेला जो उनके मृत्यु पर है। तो कॉन्सेप्ट है सूफियों में भक्त संत की तरह ही गुरु और शिष्य की परंपरा मायने रखती है। वहां गुरु को पीर कहते हैं, पीर मतलब पहुंचा हुआ वो फकीर जो अल्लाह के बहुत करीब है, तो पीर। और मुरीद का मतलब होता है शिष्य, चेला। तो पीरी मुरीदी परंपरा सूफियों में है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो पीरी मुरीदी। अब है सूफी लोग जब अल्लाह से अनुराग करते थे तो अल्लाह के अनुराग में कई चीजें, संगीत, नृत्य, ये सब करते थे। जैसे अपने हिंदुओं में भी कीर्तन आ गया, नहीं कीर्तन आ गया, ऐसे ही सूफियों में कव्वाली आ गया। कव्वाली का मतलब ही हो गया अल्लाह के क्या कहते हैं उसको, अल्लाह के लिए इबादत करना संगीतात्मक शैली में। तो ये, और जब नृत्य, संगीत और अल्लाह से इबादत हो गया तो उस तरह से जो म्यूजिक आया जिसको कव्वाली के गीत के साथ पिरोया गया तो उसे कहा गया समा। समा का अर्थ होता है फ्यूजन, फ्यूजन का अर्थ हुआ संगीत समारोह। तो संगीत समारोह जो हमारे अमीर खुसरो हैं वो कव्वाली के जन्मदाता हैं। कव्वाली का जन्म कहाँ हुआ तो ये भी याद रखना है, शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के बहुत बड़े सूफी संत थे उनके खानगाह में। खानगाह का मतलब है आश्रम, जैसे बाबा रामदेव का है पतंजलि योग आश्रम, बाबा राम रहीम का आश्रम था हिसार में, ऐसे ही सिरसा में, और ऐसे रामपाल का आश्रम जो बंद है, ओशो के कितने कम्यून आश्रम बने हुए थे, राधा कृष्ण स्वामी का आश्रम छतरपुर वाला जो आज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड सेंटर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। तो ये चीज़ें 10,000 बेड का। तो कहने का मतलब है निजामुद्दीन औलिया के खानगाह में कव्वाली का जन्म हुआ और जन्मदाता हुआ अमीर खुसरो, और अल्लाह की इबादत में जो संगीत की महफिलें जमती उसे कहा गया समा। तो समा समझ गए, खानगाह समझ गए, नहीं अब सुनिए, पीर समझ गए गुरु, मुरीद मतलब शिष्य, और इबादत में खुद को सूफी प्रेमिका और अल्लाह को प्रेमी के तौर पे देखते हैं, ये समझ गए। अब समझना है एक शब्द है बा सरा। बेटा बा का मतलब होता है होना, बा इज्जत बरी करो, बा मुलाहिदा फरमाइए, नहीं तो बा मतलब होता है होना, यस। सरा मतलब सराय, ठहरने का स्थान। बा सरा ऐसे सूफी संत को कहा गया जो एक निश्चित स्थान पर रहकर लोगों के आध्यात्मिक ठीक है जिज्ञासा को शांत करते, वो बासरा हुए, जिनके खानगाह आश्रम होते, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, मेहरौली के पास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह, और मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में, और ऐसे खुदाबंद ज़्यादा खुदाबख्श या गेसुदराज कहिए ग्वालियर में। तो ये हुए ठीक है। बेसरा, बे मतलब होता है नहीं, नो एब्सेंस, बे मतलब नहीं, बेवकूफ जिसे कूफ ना हो अकल ना हो, बेहया जिसे शर्म ना हो, बेपर्दा जिसका पर्दा ना हो, समझ गए ना। तो बे मतलब, तो बेसरा मतलब जो खानगाह में नहीं रहते, जो यहां वहां पूरी जिंदगी
भटकते, कहीं 2 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं 1 दिन, पर कहीं एक जगह टिक कर नहीं आश्रम बना कर रहते, तो बेशरा कहलाए। ये बेशरा, जैसे साईं बाबा बेशरा थे और ऐसे बहुत होते, इन्हीं को आप कहते हैं फकीर, जंगम, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है बेटा। ये सूफियों के बारे में तो समझ गए, अब लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जरा गौर समझिए, इस्लाम और सूफी मत, हमारा ये अब टॉपिक छिड़ गया यहां पर बेटा। इस्लाम और सूफी मत पर आए, सूफी मुसलमान रहस्यवादी होते, बात क्लियर है। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते, ईश्वर को वो प्रेम से, भक्ति से, दया भाव से प्राप्त करते। यानी ईश्वर प्रेम में है, दया भाव में है, भक्ति में है, यही तो हमारे भक्त संतों का है। ईश्वर आडंबर में, तंत्र में, मंत्र में, यज्ञ में, यज्ञ की आहुतियों में नहीं है, जादू में, टोने में नहीं है, वशीकरण में नहीं है, बड़े बड़े टोकरे फलों के चढ़ाने में नहीं है, गाय भैंस बकरी के बलिदान में नहीं है। वो बकरी पर भी बकरे काटने के लिए बुरा मानते हैं जो सूफी संत हैं। अब आइए, इस्लाम ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, यानी ईश्वर एक ही है, ये प्रकृति ही ईश्वर है, निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, नो नीड टू बी आइडॉल वर्शिपिंग। ईश्वर की कोई आकार नहीं तो मूर्ति कैसे बनाए, मूर्ति पूजा क्यों, तो मूर्ति पूजा के विरोधी हुए। ठीक है, अब आइए अगला है आपका, मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही। उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें सबके लिए आसान बना दिया। यानी ईश्वर क्या है, भक्ति है, यानी एक नॉर्मल बिहेव में लेके आए, एक साथ एक समय पे दुनिया में कहीं भी हो ईश्वर की, अल्लाह की प्रार्थना करो, और जन सामान्य बना दिया उसे। मुस्लिम विद्वानों, जिसे कहते हैं उलेमा, ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया और उसे कर्मकांडों के विरोध करके एक बहुत ही साधारण विषय को लेकर के कानून बनाया। आपसे ये पूछेगा उलेमा कौन होते हैं, आप बोलेगा मुस्लिम धार्मिक विद्वान, मुस्लिम धर्म के ज्ञाता। तो धार्मिक विद्वान यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ मुस्लिम्स या इन इस्लाम कॉल्ड उलेमा। तो जो धार्मिक शिक्षक होते हैं उन्हें भी उलेमा कहते हैं। शरीयत क्या है, तो ये धार्मिक कानून है। शरीयत क्या है, उलेमाओं के द्वारा बनाए गए इस्लाम धर्म से जुड़े रीति रिवाज, लॉ, नियम, कायदे, कानून, यानी इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड द शरीयत। अब आइए, हे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका आपस में जुड़े रहते हैं, ये तो पहले ही बता दिए, तो ये कोई इशू नहीं रहा। अब आइए, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में 3 खास लोग का जिक्र करना जरूरी है। जिक्र का मतलब होता है स्मरण करना, रिमेंबर करना, याद करना, उसको जिक्र कहते हैं। तो जब हम किसी का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब यार मत जिक्र करो, दिल चाहता है, तो ये बात जो है, तो जिक्र करना यानी रिमेंबर करना। हमारे यही शब्द सिख धर्म में भी आया, और जिक्र को ही कहते हैं नाम जपो, बंद छको, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ध्यान दीजिए। तो हमारे मध्य एशिया में कुछ सूफी संत हुए जो बड़े ही ज्ञानी थे, और उनमें हुए गजाली, उन्हीं में हुए रूमी, उन्हीं में हुए शेख शादी। तो गजाली, रूमी और शेख शादी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले हुए। जिक्र का अर्थ होता है नाम जपना, समा का अर्थ होता है गाना या संगीत, और रक्स का मतलब होता है नृत्य। तेरे रक्स के कमर, ऐसे कुछ है ना, तेरे रक्स से कमर, ऐसे कुछ गाना भी है। तो रक्स मतलब क्या, नृत्य, रक्स नृत्य। अब उसी चीज को आप कृष्ण भक्ति में ले लें तो रास,
रास मतलब क्या है, वही नृत्य है, रासलीला नृत्य की लीला हो गई, तो रासलीला नृत्य की लीला हो गई। अब हमारे यहाँ रासलीला होती थी, उनके यहाँ रक्स होता था। अब ये रासलीला कैसा हो गया भगवान जाने, बहुत ही आजकल हम रेव पार्टी कर रहे हैं, और रेव पार्टी क्या होती है आप सभी लोग जानते ही हो, युवाओं का ऐसा समूह जिसमें युवा और युवती रहते हैं, ड्रग्स होता है, शराब होता है, नशे की चीज़ होती है, और लिबर्टी, सेक्सुअल एक्सपोजर, सेक्सुअल रिलेशंस, और ये तमाम चीज़ें होती हैं ये रेव पार्टी पे। यानी हम रक्स से, रास से रेव पार्टी तक की यात्रा कर चुके हैं। विदेशों में भी अक्सर शिकागो में, जिसे मांस की मंडी कहते हैं, अमेरिका के शहर शिकागो जिसे मांस की मंडी कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशंस के लिए जाना जाता है, खुलेआम नंग धड़ंग लोग नृत्य करते हैं। आप YouTube पर चले जाइए, YouTube पर बस एक बार डाल दीजिए और देखिए कि सारी इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। सिर्फ आप, हम कुंभ मेला में दिखने वाले हमारे पुराने आध्यात्मिक विचारों के नागा समुदाय के लोग ही नग्न नहीं रहते, सिर्फ महावीर स्वामी ही नग्न नहीं रहते थे, आज के आधुनिक युग में नग्नता एक राइट के रूप में, एक्सट्रीम लिबर्टी के रूप में डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर हमारा ब्यूटी है, हमें इसे लेकर चलना, बिल्कुल, लेकिन ये अति आधुनिकता में है। पर बेटा इसी धरती पर कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई अपने पुराण पंथी और ना होने की वजह से जारवा और ओंग बने हुए अंडमान में नग्न रहते हैं, तो कोई अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में नग्नता के, न्यूडिटी के क्लब में रहकर एंजॉय करते हैं, तो कोई पेटा कार्यक्रम वाले सड़क पर नग्न होकर के आते हैं जाते हैं और फक्र महसूस करते। तो इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, बस तय खुद करिए कि हमें कैसे जीना है, हम कैसे शांति को प्राप्त करें। सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, बस उसी में सब लगे हैं, सबकी दिशाएं अलग हैं। हम और आप अच्छी नौकरी करके मध्यम वर्ग की तरह जीते हुए आगे निकल लेंगे बेटा, ठीक है। किसी पर उंगली मत उठाइएगा, सोचिएगा ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ वजह होगी। तो भगवान ही है सबको एक, को क्या कहते हैं, मुझे छोटी जात में क्यों दिया, जन जूठा खाना पड़ता है, कभी तुम भी तो आओ। तो ये चीज है। अब आइए, और जब कहते हैं तो मैं तो सीधा कहता हूं, भगवान आ चुके हैं छोटी जात में, भगवान आ चुके हैं छोटी जात में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये अंबेडकर क्या है, ये अंबेडकर क्या है, सोचना पड़ेगा ना। कांसीराम क्या करके गए, बहुत मायने हैं। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग आए जो बहुत बेहतर किए, तो सोचना पड़ेगा। आइए, हमारे एरवा गुरु, गुरु नारायण, भगवान का दर्जा मिल चुका है उनको केरल में, भगवान का दर्जा, श्री नारायण गुरु, एजवा गुरु, जिनको प्यार से नानू आसान, ओरिजिनल नेम नानू आसान कहते हैं। तो ऐसे बहुत हैं, हमारी समझ वहां तक नहीं जा रही है। ये सब दलित मसीहा ही नहीं, वो आज ईश्वर के रूप में है। जब उनकी हम व्याख्या शुरू करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ये पीछे रह जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा जिक्र मतलब नाम जपना, अल्लाह ईश्वर का नाम लेना, समा मतलब संगीत का समारोह, और रक्स मतलब नृत्य होता है, जैसे हमारा रासलीला हुआ, तो सूफियों में भी रक्स होता था, नृत्य करते थे अल्लाह के लिए, जैसे देवदासियां हमारे मंदिरों में देवदासियां नृत्य करती थी। तो हर जगह अलग अलग भाव से है, ऐसे ही बेटा रोम के मंदिरों में भी स्त्रियां होती थी देवदासी की तरह ही, जापान के शिंतो धर्म के मंदिरों में भी ऐसी स्त्रियां होती थी जो वहां के भगवान के लिए जो है नृत्य करती, संगीत करती थी, उनकी देवदासी बनकर रहती थी, एवरीवेयर। अब आइए, खानगाह मैंने बताया, खानगाह क्या होता है, आश्रम, ये भी बता दिया। अब आइए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्गा के बंदा नवाज गेसुदराज, इन सभी का जिक्र हमने कर दिया। ये सब कुछ सूफी संत थे। गेसु मतलब बाल, दराज मतलब लंबा, कहते ना उम्र दराज हो, उम्र लंबी हो, गेसु दराज हो, तुम्हारे बाल लंबे,
तो जिसके बाल लंबे हो उसे गेसु दराज भी कहते हैं। तो ये सूफी संत थे, इनके बाल बड़े लंबे थे तो इनको गेसु दराज कहते हैं। आज सारे हमारे साधु संन्यासी जटाधारी होते हैं ना, लंबे बाल वाले। तो ये याद रखना है, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आज भी औलिया का निजामुद्दीन में मज़ार है और लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ पर कव्वाली का जन्म हुआ। अमीर खुसरो के वो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा। अब आइए, जो बख्तियार काकी है वो इल्तुतमिश का आध्यात्मिक गुरु था। इनकी मज़ार मेहरौली में कुतुब मीनार के पास है और कुतुब मीनार का नाम इल्तुतमिश ने अपने ही इस आध्यात्मिक गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। ठीक है, पंजाब के बाबा फरीद गज ए शंकर, इनको ऐसे कहते हैं, बाबा फरीद गज ए शंकर, तो शंकर नहीं शक्कर, मालूम है शक्कर क्यों कहते हैं। इनकी माँ इनको बचपन में पढ़ाने के लिए बैठाती थी कि पढ़ो, ये पढ़ते नहीं थे, तो इनकी माँ जो है चटाई के नीचे जो है शक्कर, सोडा जो चीनी का होता है, शक्कर रखते थे कि पढ़ोगे तो शक्कर देंगे, मीठा देंगे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया गज ए शक्कर। तो ये चीज़ है, आज शक्कर एक बस्ती है, शक्कर आज एक बस्ती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जलालुद्दीन रूमी का जो है एक क्या कहेंगे उसको, तारीफ है अल्लाह के में, तारीफ है, तराने हैं, जरा देखिए उसको। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी में जो ईरान में हुए, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। उनके एक काव्य रचना है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है,
वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया ना, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, हिंदू मंदिर में गया वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, मैं हिंदुओं के मंदिरों में भी गया वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना तो एवरेस्ट पे, ना पहाड़ पे, आसमान पे, कहते हैं ना सातवें आसमान पे ईश्वर रहता है, ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही हमें खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था, काबा में भी नहीं था, मैं उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, एविसेन्ना की पहुंच से वह परे था। मिडाइवल टाइम में एविसेन्ना नाम एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए दार्शनिक, जो एविसेन्ना हम देखते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी भी देता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी एविसेन्ना, तो एविसेन्ना से भी वो परे था। मैंने जब दिल में झांका तो वह उसी जगह था, वही मैंने उसे पाया और कहीं नहीं था। बड़ी अच्छी बात कहता है ना, जिन खोजा तिन पाइया, जिसे ढूंढोगे वो मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा ये तय नहीं है, तो दिल में मिला तो मायने रखता है। कहने का मतलब ये है कि आडंबर में कहीं नहीं है ईश्वर, ईश्वर तो ऐसे ही कनकन में है, पर आपके ही अंदर है, आप ही के रूप में है ईश्वर। तो ये बात कही उसने, खुद कहते हैं कबीर, पाषण पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर के पूजने से अगर भगवान हरि भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ की पूजा कर लूं, शिवलिंग की पूजा, पत्थरों की पूजा, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। यही कबीर कहते हैं, चलत चलत सब कहत है ना जाने बैकुंठ कहाँ है। सब कहते हैं बैकुंठ चलेंगे, पर ये बैकुंठ कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। बिल्कुल यही चीज है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, अब हमारा जो छोटा टॉपिक डेवलप हुआ बेटा, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव पर चले, ये क्या है, 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर चली, ए न्यू वेव्स ऑफ भक्ति मूवमेंट स्टार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर 13th सेंचुरी, जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं, नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। 1857 से पहले संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, चिनम्मा विद्रोह, रंपा विद्रोह, हो विद्रोह, समझ रहे ना हमारी बात, हो विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, चुवार विद्रोह, महालवाड़ी विद्रोह, नॉट महालवाड़ी, कुछ और वाड़ी है, सामंतवाड़ी विद्रोह, ये सब विद्रोह हुए अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि आपस में कोई नेशनलिज्म नहीं था, आपस में कोई एक भाषा नहीं थी, एक सूत्र में बांधने वाला ना तो ट्रेन था न सड़कें थी न वो पॉलिसीज, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन आया, पॉलिसीज आई, सबके दुश्मन एक ही ब्रिटिश इंडिया समझ में आया, तो 1857 की क्रांति से इसका जो प्रारंभ हुआ, उसके बाद नेशनल मूवमेंट की धारा आगे बढ़ी, हम जुड़ते गए, अब हमारे पास अखबार थे, मैगजीन थे, बड़े बड़े यूनिवर्सल स्कॉलर्स थे जो हमें हर जाति धर्म से अलग कर दिए, लेकिन जैसे ज्योतिबा फूले हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, राणा डे हैं, आत्माराम पांडुरंग शास्त्री हैं, विवेकानंद हैं,
ये सब सबको एक कर दिया और हमारी धारा बदल गई, चिंतन धारा बदल गई। इसको कहते हैं इंडियन रिनासा, भारतीय पुनर्जागरण। तो 1857 से पहले हम क्या थे और 1857 के आसपास से आगे हम कैसे बदल गए। ठीक वैसे सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अंदाज में काम कर रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे से ये मिलने लगे, नाथ योगी से, योगी सिद्धों से, सिद्धि सूफियों से, सूफी रामानुजम से, रामानुजम अनवार से, कोई नैनार से जब मिलने लगे, तो समझ में आया सब तो एक ही रास्ते पर चल पड़ा है। सबके वस्त्र अलग हैं, भाषा अलग है, सोच अलग है, पर सबकी नियति एक है। सबको ईश्वर चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको समरसता चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सद्भाव चाहिए, सबका लक्ष्य एक है। तब समझ आया क्यों ना हम सब मिलकर के आगे बढ़े। दिस इज द वे। तो सब नई धारा हवाई जो सब लोग लगभग एक ही है, ये सब लोग जो आए तो क्या किए, लैंग्वेज को इनरिच किया, भाषा को समृद्ध किया, रीजनलिज्म मिनिमाइज किया, क्षेत्रीयता को कम किया, साहित्य को समृद्ध किया, अच्छे वचन आए, हिंदी भाषा और समृद्ध हुई, हम एक दूसरे के करीब कला संस्कृति से जुड़ते चले गए, हमारी सद्भाव बढ़ गया, हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और बढ़ गया, हम सांस्कृतिक रूप से और भी समृद्ध हो गए, हमारी एकता बढ़ी, हमें अपने आडंबरों का पता चला, हम जन सामान्य में सामान्य व्यक्तित्व के रूप में आगे आने लगे, जो गलत है गलत कहने की हिम्मत आई, जो सही है उसका सोच अच्छा रहा, और इस तरह से हमने देखा सामाजिक समरसता को स्थापित करने में इन नई धाराओं के भक्ति शब्दों ने बहुत ही भरसक प्रयास किया, जिसको आज भी हम लोग पढ़ करके ऐसा ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह है आपकी 13वीं से आगे की सदी की भक्ति धारा, जो उत्तर भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन तो ना सही पर एक नई भक्ति रस को बहाया। जब इस्लाम, ब्राह्मण, नाथपंथी सब जुड़े तो यह सब होने लगा। चाहिए कबीर को, बाबा गुरु नानक को, तुलसीदास को, सूरदास को देखते हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा, कबीर जुलाहे के पुत्र थे। इन कहते हैं कि कबीर की मां जो थी एक ब्राह्मणी विधवा थी, बच्चे हुए, लोक लाज से उसको गंगा में बहा दी और वाराणसी के लहर तारा तट पर, घाट पर एक जुलाहा स्नान कर रहा था, देखा, अपने आगोश में ले लिया, अपनी पत्नी को आके कहा कि हम लोग के बच्चे नहीं होते थे, मांग रही थी, शायद ईश्वर ने दिया है ये। उस बच्चे का नाम कबीर पड़ गया समय के साथ, और उसके माता पिता जो पालन करता हुए नीरू और नीरा हो गए, दोनों पाल पोस के बड़ा किया, दोनों जुलाहे थे तो ये भी जुलाहे का काम अपनाए, बुनकर, वीवर्स, बनारस तो वीवर्स के जाना भी जाता है, और फिर वो समय के साथ अपना बुनकरी का काम करते, कंबल बेचते बनाते, और स्कूल कॉलेज जाने का तो मौका नहीं, पर अपने जीवन व्यवहार से जो शिक्षा मिले उसी से अच्छे शब्द और सामाजिक समरसता को बनाने के लिए जो प्रवचन दिए, लोगों को कर्म भी किए, प्रवचन भी दिए, समय के साथ वो महान कबीर कहलाए, इन्हें संत कबीर कहते हैं। ये भी जो थे निरंकार ईश्वर की प्रार्थना करते, निर्गुण संत थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और जेंडर इक्वलिटी के बहुत बड़े समर्थक थे और ऐसी ढेर सारी चीजें, ठीक है ना। तो वही है, वो तो कहते ही हैं कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुगाई, लुगाई नहीं कबीरा खरा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जौ घर चारो आपनो चलो हमारे साथ। कबीर बाजार में खड़ा है, क्रांतिकारी काम करने के लिए मैदान में उतर चुका है, अपने हाथ में मशाल टॉर्च ले चुका है, लुगाठी, लुका मतलब आग होता है, लुगाठी हाथ, कबीरा खरा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, मसाल ले करके क्रांति करने के लिए, बदलाव करने के लिए मचल चुका है, बढ़ चुका है, बाजार में आ चुका है। जिसको अपने अपने घर जलाने का शौक है, क्षमता है, ताकत है, सोच है, यानी दोज आर रेडी फॉर सेक्रीफाइस, वो मेरे साथ हो। तो
कबीरा खरा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर जाड़ो आपनो चलो हमारे साथ, कम टू इंडिया गेट टू कैंडल मार्च टू चेंज द कंट्री द चेंज द नेशन द चेंज द सोसाइटी। ये थे कबीर। तो कबीर हैं, कबीर को सब लोग प्यार से मानते थे। गोरखपुर के पास जगह है बेटा मगहर, आज उसका नाम है संत कबीर नगर। वहां डेथ कर गए और उनके मृत्यु पर हिंदू मुस्लिम में ये हो गया, हिंदू थे तो मुसलमान थे, जैसे साईं बाबा को लेके। पर कहते हैं दोनों ने लाश को बांटना चाहा, मेरी तरह से तो मेरे तरह से दाह संस्कार होगा, वो एक फूल में बदल गए, ऐसा कहते हैं। जो भी है, ये हमारे महान संत है, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कबीर की जो भाषा थी खिचड़ी भाषा, भोजपुरी बहुला, बनारस के थे ना, भोजपुरी बहुला मतलब ज्यादा भोजपुरी उसमें थी। और उनके राम जो है वो निरंकार है, निर्गुण शब्द थे। उनकी वाणियां, उनकी शिक्षा जो है साखी कहलाती है, साखी कहलाती है। अब आइए, बाबा गुरु नानक 1469 में पैदा हुए, 1539 में डेथ किए, 70 साल की आयु जी लिए। और तलवंडी ननकाना साहिब के पास, आज के पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुए। वाइफ सुलाखिन थी और पिता जो थे कालू चंद मेहता थे। और बचपन से ही आध्यात्मिक विचार के थे, व्यापारी घराने खत्री परिवार से थे, व्यापार के लिए पैसा दिए तो वो गरीबों में बांट दिए, खिला पिला दिए, लंगर करते थे, सामूहिक किचन, सामूहिक भोजन, लंगर डालते थे। समय के साथ पूरा भारत, मक्का, मदीना, ईरान, श्रीलंका सब घूमे, सब जगह। कहते हैं जब मक्का गए तो मक्का की ओर पैर करके सोए हुए थे कभी कहीं, सबने कहा ऐसा मत करो, कहा भैया जिधर ईश्वर अल्लाह नहीं है उधर मेरे पैर कर दो। कहते हैं कि लोगों ने उनके पांव इधर से उधर किए, उधर ही मक्का दिखाई देने लगा। कहने का मतलब है एक भाव बताते हैं। उन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत की, वो सिखों के संस्थापक हुए। वहीं पर सब जगह घूम फिर के आने के बाद तलवंडी से थोड़ा सा हटके डेरा बाबा करके जगह है, वहां पर जो है अपना एक छोटा सा आश्रम बनाए रहने लगे। वही जगह आज हम लोग जाते हैं देखने के लिए, जो कॉरिडोर खुला है पाकिस्तान के साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उनके बेटे तो जो है श्रीचंद जो थे, दो बेटे थे, वो दोनों अलग हो गए, अलग धर्म बना लिया। और इन्होंने फिर जो है अपने शिष्य मर्दाना जो इनके लिए बहुत काम करता, संगीत बजाता, रबाब, और एक शिष्य था अंगद, तो अंगद को अपना शिष्य उत्तराधिकारी घोषित किए। और अंगद का अर्थ हुआ गुरु का अंग, और उसको गुरु नानक देव की तरह ही समझा गया। और गुरु अंगद ने अपने गुरु की वाणी को लिया और आगे बढ़ाया, और इस तरह से उसमें जो है 10 गुरुओं की परंपरा चली। आज गुरु ग्रंथ साहिब है किताब, जिसे 11वां गुरु कहते हैं, जो एक व्यक्ति नहीं है। फिर हम देखें तो गुरु अंगद, और उसके बाद जो है और गुरु हुए, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने जो है, जो तमाम पांचों गुरुओं खुद का और चारों गुरुओं की वाणियों को एकत्रित किया, और कबीर वगैरह की वाणी को, कुछ सूफी संत की वाणियों को एकत्रित किया, और गुरु ग्रंथ साहिब को उस टाइम आदि ग्रंथ कहते थे, आदि ग्रंथ नाम से लिखा। एक तो ये पॉइंट हुआ। यही आदि ग्रंथ को आगे जाके पूरा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और 10 गुरुओं की वाणी, कई सूफी संत, कबीर, रैदास, इन सब की वाणी आ जाएगी। तो ये हो, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आप समझ गए बेटा। अब आगे आते हैं, तुलसीदास जो हैं, ये आज के उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के राजापुर गांव में पैदा हुए, और अकबर के समकालीन थे, और सरजू अयोध्या तट पर रहते थे। और इनकी पत्नी रत्नावली थी, और इनको जो है राम भक्ति थी, सगुन भक्ति थी, और अवधि भाषा के थे। समय के साथ उन्हें अवधि भाषा में साहित्य लिखे, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, फिर इन्होंने लिखे विनय पत्रिका, हनुमान नाटक, ये सब इनके लिखे हुए पुस्तक हैं, अवधि भाषा है, चौपाई शैली। फिर ऐसे ही हुए सूरदास, जो ब्रज में रहते थे,
और सूरदास कहते हैं जन्म से अंधे थे, उन्होंने बहुत सारी वाणियाँ लिखी, ब्रज भाषा उनकी थी, तो ब्रज भाषा में वृंदावन वगैरह में रहते थे। तो सूरदास ने जो किताब लिखी सुरसावली कहलाती है, सूर सागर है, और एक उनका है और भ्रमर गीत सार, ठीक है, ये उनकी किताब हो गई। अगला है चैतन्य महाप्रभु। जैसा कि हम और आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे और नदिया डिस्ट्रिक्ट के थे। उन्होंने कीर्तन संप्रदाय को स्थापित किया, जो कीर्तन करते हैं ना, झाल वगैरह बजाते हैं, उन्होंने ही जन्म दिया। कृष्ण की पूजा करते, सगुन भक्ति करते, और कृष्ण भक्ति में ही जगह जगह कृष्ण को वो गोसाई कहते और गोसाई घर की स्थापना किए। आज पूरे बंगाल वाले रीजन यानी झारखंड उड़ीसा बिहार बंगाल में गोसाई घर होते हैं और कृष्ण की पूजा होती है, और कृष्ण को सगुन भक्ति में करते थे और उनकी भाषा बंगाली थी। गौरांग ये जो है जो बचपन का नाम था चैतन्य महाप्रभु का, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे आइए असम, आज का जो असम है वहां पर एक ऐसे ही वैष्णव संत हुए शंकर देव, और वो असम में ही वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाए, और आज नदिया वहां पर जो एक द्वीप है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है ठीक है क्या कहते हैं उसको, बड़ा अच्छा द्वीप का नाम है, अभी मैं भूल रहा हूं, मोजाली करके नाम है, देखिए इतना याद रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो द्वीप है वो भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, मोजाली ऐसे कुछ नाम है, देखिए भूल रहा हूं मैं, कोई बात नहीं अभी याद आ जाएगा। तो उस द्वीप तक भी वैष्णव धर्म को उन्होंने फैलाया, तो शंकर देव असम में अपनी कर्म भूमि बनाए और वैष्णव धर्म को फैलाया। अब उसी तरह से देखते हैं वो जो है हर असम के लोगों के बीच गए और विष्णु के संदर्भ में वहां पर एक घर स्थापित किए जिसे नाम घर कहते हैं, और नाम घर यानी विष्णु के घर, और जगह जगह विष्णु के अवतार रूप में उनकी पूजा पाठ होने लगी, मंदिर बनने लगी, और उसके बनाए गए मंदिर को कहते हैं नाम घर। तो नाम घर हुआ, और असमिया भाषा में बहुत सारी कविताएं इन्होंने रचे जो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। और वो जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो नदी द्वीप है वर्ल्ड लार्ज, उसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप पर भी वैष्णव धर्म के लोग ही रहते हैं। अब आइए दादू दयाल जो थे वो आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। दास मलूक दास जो थे वो भी, दादू दयाल मुस्लिम थे पर हिंदू मुस्लिम सब में वो चलते थे ऐसे कबीर की तरह थे। और जो आपके मलूक दास थे वो क्लियर कहते हैं अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कार्य दास मलूका कह गए सबके दाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भोजन देने वाला है वो देता है, जो देखते हैं अजगर कोई काम नहीं करता पड़ा रहता है फिर भी उसके पास भोजन आ जाता है, पक्षी कौन काम करता है फिर भी उसको भोजन मिल जाता है। तो हम इंसान क्यों चिंता करें भोजन मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। उसी तरह से है मीराबाई जो थी तो कबीर के शिष्य हुए रविदास उर्फ रैदास, वो बाई प्रोफेशन चमार जाति से थे और चमड़े का काम करते, जूता चप्पल लोगों का सिलते, ठीक है। और समय के साथ वो भक्त संत बन गए रैदास, और रैदास की जयंती मनाई जाती है और हरियाणा सरकार छुट्टी देती है उस दिन। रैदास की शिष्या हुई मीरा, राजस्थान में मेड़ता घराना है, मेड़ता घराना की बेटी थी मीराबाई। और मीरा का बाल्यावस्था में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के छोटे भाई राजा भोज से, भोजराज से शादी हुई। भोजराज अनटाइमली डेथ हो जाने की वजह से ये बाल विधवा हो गई, पर राणा के यहाँ रहने रहती थी। लेकिन धीरे धीरे रैदास की वो चेली हो गई और कृष्ण में रम गई। रैदास भी कृष्ण भक्त थे और वो निर्गुण थे, लेकिन मीरा सगुन भक्ति में आई और रैदास के साथ उठती बैठती थी जहाँ जहाँ संगति होती। ये संग्राम सिंह को पसंद नहीं आया और संग्राम सिंह ने अपनी इस भाई के पत्नी यानी एक तरह से वधू ही हुई को जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दी ताकि इस तरह से मरे और नाक न कटे, यानी ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग है याद रखिएगा।
वही हुआ, मीरा ने जहर का प्याला पिया और वही कविता यहाँ पे है। जरा देखिए, मैं चार लाइन इसका बताना चाहता हूँ। मीरा द्वारा रचा गया गीत, तो मीरा की वाणियां जो है मीरा के पद कहलाते हैं। लोक लाज कुल्हा मर्यादा जगमा जेके राख्यो, यानी लोक लाज कुल मान मर्यादा, दुनिया जिसको जैसी रखनी है रखो, महल अटारी हम सब त्यागे साम्यो चोयो वाष्णो हमा, हम तो महल वहल सब छोड़ छाड़ दिए, बिखरो प्यालो राणा भेजियो पीवा मोरा हासा, यानी विष का प्याला राणा ने हमें भेजा पीने के लिए मारने के लिए, और मैं हंसते हंसते पी गई। सुकरात को याद करें, यूनान ग्रीस, सुकरात शिक्षक थे और युवाओं को लिबर्टी सिखाते थे। राजा ने कहा तुम विद्रोह करवाते हो युवाओं को, राज्य हित की बात ना करके स्वतंत्रता सिखाते हो, और उसको मारने का तरीका जहर का प्याला दिया, यू हैव टू ड्रिंक। ये सुकरात। मीरा भी जहर का प्याला, उस जमाने में जहर दिया जाता था पीने के लिए मारने का तरीका। तो ये आप देख लीजिए, तो देखा ऑनर किलिंग हुई, और मॉडर्न टाइम में भी ऑनर किलिंग हुई, जब डायना जो थी प्रिंस चार्ल्स की वाइफ, जो अभी कैमिला पार्कर से शादी किया हुआ है, यानी एलिजाबेथ की बहू, उसको भी डोडी अल्फायद के साथ रहने की वजह से कार एक्सीडेंट में मार दिया गया। तो ऑनर किलिंग 500 साल पहले और ऑनर किलिंग 25 साल पहले, इक्वलाइज है, कुछ भी नहीं बदला। अब आइए, अब हम देखते हैं बेटा, रविदास जो अस्पृश्य जाति के थे, चमार थे, चमड़े का काम करते, उनकी शिष्या मीराबाई हुई, जो एक क्षत्रिय राजपूतनी थी, लेकिन वो बाल्यावस्था से कृष्ण की दीवानी थी और विधवा भी हो गई, बाल विधवा, तो रविदास की जो है वो शिष्या बनी, और मीरा की वाणियाँ मीरा के पद में है, और उनकी भाषा राजस्थानी है, ये याद रखिएगा। और इन गीतों से जो देखते हैं कि निर्धन वंचित लोगों के लिए ये कहा गया है। अब आइए कबीर पे, कबीर नजदीक से एक नज़र, मैंने कबीर के बारे में बात करी। 15वीं 16वीं सदी पालन पोषण बनारस में मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार से हुआ, शखियाँ और पदों के विशाल संग्रह इनके हैं, भजन इनके कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, पंचवाणी में भी है और बीजक में भी। यहाँ सवाल यही होगा, क्या कबीर की वाणियाँ हमें कहाँ कहाँ मिलती है? तो साखी कहलाती, कबीर की वाणियाँ साखी कहलाती है, और उस किताब को क्या कहते हैं? बीजक, और पंचवाणी में भी है, और इनकी कुछ साखी वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो कबीर की वाणियां साखी कहलाती है, और ये साखी कुछ बीजक नाम के पुस्तक में है, कुछ पंचवाणी पुस्तक में है, और कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन मूल रूप से आप बीजक बोलिएगा। चलिए अब आते हैं बेटा, कबीर की एक रचना है जो आपके सामने में दिया है, ठीक है, जो है इसमें अल्लाह राम जोकू तेरे, मतलब एक हिंदू की हिंदुआई देखी, मुस्लिम की मुसलाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, दोनों एक दूसरे को कहते हैं ये है वो है, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं, एक बकरी मारते हैं और एक जो है मंदिर में, और एक बकरीद के नाम पर इन सब के ऊपर कहते हैं। काकर पाथर देर के मस्जिद लियो चिनाए, ते पे चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई, हर तरह से देखते हैं कि बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, इन बुनकर थे, ये ध्यान में रखिएगा। और अगला जो है कबीर की बात हो गई, निराकार है परमेश्वर की है, गुरु नानक के लिए बता ही दिया तलवंडी, और करतारपुर साहिब जो है डेरा, तो करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है ये उनका आश्रम था, और उससे आगे चल करके पंजाब में ही उनका बर्थ प्लेस तलवंडी था, तो तलवंडी बर्थ प्लेस, और करतारपुर साहिब में डेरा डाला यानी आश्रम बनाया, जो करतारपुर कॉरिडोर खुला है, जो हमारे बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर है अमृतसर से। अब आइए, लंगर की शुरुआत इन्होंने ही किया, और लंगर का मतलब क्या होता है यही आपसे पूछेगा, तो सामूहिक भोजन करना यानी सामूहिक किचन, सामूहिक रसोई, इसको लंगर कहते हैं। जो गुरुद्वारा आज है उसे पहले धर्मशाल कहते थे, क्या कहते थे? धर्मशाल, तो धर्मशाल ही गुरुद्वारा कहलाने लगा। दूसरी चीजें, चौथे गुरु जो थे सिख गुरु रामदास, जिनको 500 एकड़ जमीन अकबर ने दिया, और उस जमीन पर इन्होंने जो है एक मस्जिद, सॉरी एक गुरुद्वारा बनाना शुरू किया, जिसको कहते हैं हरमिंदर साहिब,
जिसके नींव की पत्थर एक सूफी संत मियां मीर तकी ने रखी, और इस एरिया को रामदास नगर कहा गया जो पॉपुलर हो गया अमृतसर के नाम से, और इस हरबिंदर साहिब की नींव रखवाई गई सूफी सन्यासी से, रखा गया रामदास के समय में, और मंदिर का निर्माण रामदास ने शुरू किया जिसे अंत गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु करेंगे। तो हरबिंदर साहिब, अब आइए अंगद को उन्होंने अपना चेला अगला उत्तराधिकारी अपॉइंट किया, यह भी समझ गए। अब देखते हैं कि 1604 में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और सभी गुरुओं की वाणी, साधु सन्यासियों, सूफी सन्यासियों, कबीर, रैदास सबकी वाणियों को समेटा, और 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो को समर्थन दिए थे राजद्रोह में, तो उसी के लिए उनको फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणियां हैं। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, यानी उसमें और चीजें जोड़ दी और लास्टली क्वालिफाइड किया, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यह 1708 में 3 अक्टूबर को खुद गुरु गोविंद सिंह की हत्या चाकू मार के नांदेड़ गोदावरी तट महाराष्ट्र में कर दी जाती है, तो अलग बात है। तो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ, जब पांच गुरुओं की वाणी आई और गुरु अर्जुन देव ने रचा, और जब इसे पूरा किया 10 गुरुओं की वाणी और सूफी सन्यासी सभी की आ गए, तब उसको बोलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह करेंगे। याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी किसकी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी किसकी रचना है, रैदास का, कबीर का नहीं, बाबर की भी वाणियां हैं, जो गुरु नानक और बाबर आपस में बात करते थे उसकी भी वाणियां हैं। नामदेव जो है सूफी, मतलब कहते हैं मराठी संत नामदेव, फिर है आपका बाबा फरीद, इन सब के शेख बाबा फरीद, इन सब की वाणियां हैं सेज वर्ड्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अब देखते हैं इन संतों के अनुयायी जो है शिल्पकार हुए, व्यापारी हुए, सब हुए, सबने मिलकर के बहुत काम किया, इसको आगे बढ़ाया। अब आपका है हरमिंदर साहिब को ही स्वर्ण मंदिर कहते हैं, और जैसा मैंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब नाम के जगह पर पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका अर्थ था कि अब सिख समुदाय जो है एक लड़ाकू समुदाय के रूप में दो दो हाथ करने के लिए मुगलों से तैयार रहेंगे, ठीक है। और खालसा पंथ का संदर्भ यह हुआ कि पांच चीजें सिखों को धारण करना अनिवार्य हो गया, जिसको पांच ककार कहते हैं। केश रखेंगे, कटाएंगे नहीं, और केश नहीं कटाएंगे तो उन्हें कंघा रखना पड़ेगा, एक कंघी रखेंगे, हाथ में कृपाण रखेंगे जो युद्ध के लिए शक्ति के लिए प्रतीक होगा, जब्बे वाला हथियार, फिर कड़ा रखेंगे, और कच्छा अंडरपैंट कच्छा के तौर पे पहनेंगे। तो ये पांच चीजें सिख समुदाय के लिए हो गया, इसको कहते हैं पांच कक्कार। जो खालसा पंथ वाले हैं जो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया, वो कहां पर, आनंदपुर साहिब, और यहीं पर अपने पांच शिष्यों को ये शपथ दिलाया, और इन्हीं पांच शिष्यों को पंच प्यारे कहा गया। ठीक इनसे पहले जो इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, वो एक राजा की तरह रहते और कहते कि सिखों को आगे बढ़ना है, पॉलिटिकल पावर की ओर भी बढ़ना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो हमें राजस्व चाहिए, पैसे चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले लें। इस ख्याल से देखते हैं ये जगह जगह टैक्स वसूलते अपने सिख समुदाय के लोगों से, और उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते थे, जो भी तो जिम्मेदारी भी लेते थे, टैक्स भी वसूलते। इसीलिए मुगलों ने इसे राज्य के भीतर राज, द स्टेट विद इन स्टेट कहा, तो सिख को स्टेट विद इन स्टेट कहा गया है। पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहा था तो औरंगजेब को डरना स्वाभाविक था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो रामदास नगर समझे राज के अंतर्गत, राज भी मानने लगे, तो ये चीजें हैं। अब आइए अपने सिख धर्म में, जैसे नाम जपना, दान पुण्य करना, रोज स्नान करके स्वच्छता बनाए रखना, तो नाम जपो, बंद छको, दान दो, स्नान करो, ये सब कॉमन हो गए,
और यही विचार में नाम जपना, कृत करना, वंद छकना के रूप में, वंद छकना मतलब क्या होता है, स्नान उष्णान करके स्वच्छ रखना, और वंद करना मतलब दान पुण्य करना, और कृत करना मतलब वह अच्छे कर्म करना, नाम जपना मतलब ईश्वर के नाम जपना, संस्मरण करना, ये चीज है। तो ये उपदेश में आ गए। अब आखिरी पन्ने पर हम हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, इसको समझिए। कहने का मतलब, भारत में ये सब चीजें घट रही हैं तो क्या वर्ल्ड में नहीं घट रही है? हर जगह घट रही है। ये जो यहां हो रहा है वही चीजें इटली में रिनासा कहला रहा है, धर्म सुधार आंदोलन। यहां भक्ति सुधार आंदोलन है, वहां भी धर्म सुधार आंदोलन है अपने अंदाज में, जिसको रिनासा कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, री अवेयरनेस कहते हैं। वहां लियोनार्डो दा विंची है, राफेल है, माइकल एंजेलो है, पिकासो, सॉरी नॉट पिकासो, मैकियावेली है, सब है वहां पर, एक पर एक है। वहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, दोनों का जो है अंदाज अलग है पर मूल एक ही है, ध्यान देंगे। यहां भी धर्म कर्म को छोड़ के मानव के अधिकार की बात की गई, तो ह्यूमन राइट्स ही तो चल रहा है, वहां भी ह्यूमन राइट्स चल रहा है। वहां भी जो है इटली में नरक की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना को छोड़ दिया, कहा कि इंसान बनो, स्वर्ग नरक है नहीं है, कौन देखा। क्रिश्चियनिटी में आडंबर बहुत आगे, कैथोलिक चर्च में छोड़ो उसको, मनुष्य बनो, शरीर को समझो, मन को समझो, एक दूसरे को समझो, ये बहुत मायने है। और इन्हीं सब पर वहां पर देखते हैं ह्यूमन राइट्स की शुरुआत, देखते हैं मानव अधिकार की, मानव कल्याण की। यहां पर साइंस डेवलप हो गया, लॉजिकल एसर्शंस डेवलपमेंट हुआ, और जो दकियानुसी आडंबर ब्लाइंड फेथनेस था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। इसी को कहते हैं रीबर्थ, री अवेयरनेस, रिनासा, पुनर्जागरण, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और वो वहां जो गया तो इधर से ही गया, हमारी तमाम चीजें जो है ऑलरेडी तुर्की तक पहुंचती थी, इराक, 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 ईरान से तुर्की, और तुर्की में जैसे इस्लाम ने हमला करना शुरू किया 1255 के आसपास, बेजेंटाइन एम्पायर को कब्जे में ले लिया, ठीक है ना, उस्मानिया सल्तनत ने, और फिर वो लोग वो जो फरार हुए और वापस जो गए तो अपने ढेर सारे पुस्तक, चीज़ें, आदर्श, विचार, ओत प्रोत, आइडियोलॉजीज लेकर गए। और फिर जब लोग परिचित हो रहे हो, एशिया तो हमसे बहुत आगे है हर सोच विचार में, तो वहाँ पर बदलाव शुरुआत हुई जो हम रिनासा कहते हैं। अब भारत में रिनासा जो है मॉडर्न टाइम का रिनासा, ये तो मिडेवल टाइम था। अब मॉडर्न टाइम का एंशियंट में भी एक रिनासा हुआ, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, षड दर्शन, ये सब। मिडाइवल में भी ये रिनासा जो आप पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न में होगा राजा राम मोहन राय शुरू करेंगे। तो हमारे यहाँ भी हर स्थिति में तीन रिनासा हुए, वहाँ भी है, वहाँ भी तो जरथुष्ट आए एशिया में, वहाँ भी तो आए कन्फ्यूजियस चाइना में, लाओत से, शिंतो आए ना, और यूरोप में भी आए, जैसे एक्विशीना आए, जैसे आप रोम में देखते हैं वहां कोई हुआ कि नहीं हुआ तो आप गौर फरमाइए, वहां भी एंशियंट टाइम में मौजूद है, नहीं सुकरात है। तो अपने अपने ढंग का चीज सब जगह हुआ। तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर जर्मनी का था और एक चर्च में फादर थे, और कैथोलिक धर्म चर्च था क्रिश्चियनिटी, और कैथोलिक धर्म के जो चर्च होते मेन वो रोम में होते, इटली के रोम में। कैथोलिक धर्म प्रधान को पोप कहा जाता था, और पोप जो है उसकी दोनों शक्तियां थी, सीजर भी था पोप भी था। सीजर मतलब पॉलिटिकल चीफ और पोप मतलब रिलीजियस चीफ। कैथोलिकों का वर्चस्व पूरे यूरोप में, जहां वही कहीं भी कैथोलिक थे उसे इस चर्च को मानना पड़ता। राजा भी झुकता इसी चर्च पोप के पास, जैसे भारत में ब्राह्मण के पास राजा भी झुक रहा है, समझ आई बात, तो झुकता था। तो पोप के पास दो शक्ति थी पॉलिटिकल, जिसको वो नॉमिनेट कर दिया वही प्रजा को कहेगा कि इस राजा को हटा दो, विरोध करो, तो कर देता था। राजा को कहता था मैं तुम्हें ये राइट दिया हूं, तुम जनता को कुचल दो, कुछ ना सुनो, तो कर लेता था। तो पोप बहुत इंपॉर्टेंट था, और धर्म में तो था ही। तो पूरे यूरोपीय जगत में जहां कहीं भी कैथोलिक सिस्टम था, पूरे जगत से उसे धार्मिक कराता था। हर चर्च तक व्यवस्था बनी थी और चर्च से पैसे आते थे, चढ़ावा है, मोक्ष पत्र बेचे जा रहे हैं, आडंबर है, सब कुछ। अब आइए, राजा जितना टैक्स वसूल रहा है उस टोटल टैक्स का 10%
पोप के पास जाता था, तो दो तरफा था, तो ये ताकत थी। अब इस वजह से इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि पोप जो है समझ नहीं रहा है या जानबूझ करके अपनी अय्यासी में है, और फादर लोगों के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं जो निम्न पद पर हैं। तो ऐसे ही मार्टिन लूथर जर्मनी का छोटे से जगह पे एक गांव में चर्च में पादरी था, और उसे ये सब बुरा लग रहा था और लोग हंस रहे थे, जैसे कभी हमारे हिंदू धर्म भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं तो लोग हंसते हैं, हंस रहे। ऐसे ही हाल में इसने कहा कि जो 95 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलना चाहिए, पुरानी चीज़ें, आडंबर आ गया है, उसको चेंज करिए, उसको रोकिए, हटा दीजिए, प्रतिबंधित करिए, मॉडर्नाइज करिए, या जो अच्छी चीज़ है उसको बनाए रखिए, जो आडंबर आ गया है, धूल आ गया है, उसको हटा दीजिए। देर आर 95 अमेंडमेंट इन द बाइबल इन द सिस्टम ऑफ कैथोलिक चर्च दे स्टार्ट। पोप नहीं सुना, इन्होंने कहा देन आई विल प्रोटेस्ट इट, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पोप तो बदला नहीं, कैथोलिक में बदलाव नहीं आया, लेकिन लोग इन्हीं को कहने लगे कि यू आर ए डिफरेंट रिलीजन स्टार्टिंग, दैट्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, और यही प्रोटेस्टेंट कहना है। तो मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के गलत चीजों का, आडंबरों का विरोध किया। 95 विषयों को उन्होंने विरोध में लिया कि इन सबको हटाया जाए, पर कैथोलिक चर्च पोप ने नहीं माना, अतः इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, और इससे जो है इन्हीं को एक अलग पहचान मिल गई और प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो कैथोलिक धर्म दो फाड़ हो गए, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक, और इस तरह से ये वही शख्स हैं जो पहले सिर्फ रोमन भाषा में बाइबल होती थी, जिसे इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो जर्मन इंग्लिश में अनुवाद इन्होंने किया। अब इस प्रोटेस्टेंट से यूरोप के बहुत सारे देश जुड़ गए। अब इन प्रोटेस्टेंट से फिर एक धारा अलग हुई बाद में और एंग्लिकन कहलाया, और एंग्लिकन चर्च ब्रिटेन एंग्लिकन है, ना वो प्रोटेस्टेंट है ना कैथोलिक, एंग्लिकन है। और एंग्लिकन धर्म जो क्रिश्चियनिटी का एंग्लिकन सेक्ट है, उसमें जो रानी है एलिजाबेथ वही चीफ है, तो वो पोप भी है, सीजर भी है, पॉलिटिकल चीफ भी है और रिलीजियस। तो देखिए, हम 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक आंदोलन वाला उथल पुथल चला और ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। मार्टिन लूथर 1483 से 1546 के दरमियान, जिस समय बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह आया, और गुरु नानक भी थे, और दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय भारत में रूल कर रहे थे, उसी के पैरेलल समकालीन एक व्यक्ति विशेष यूरोप में थे जर्मनी के, मार्टिन लूथर, जो धर्म में बदलाव के लिए आंदोलन चला रहे थे। कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों में भाषा का प्रयोग करते हुए प्रचार किया, और बाइबल का जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन लूथर ने ही किया। और दंड मोचन प्रथा जो थी कि अगर आप कोई भी पाप, मर्डर वर्डर, पर स्त्री गमन, पुरुष गमन, ये कुछ भी करते हो, कोई भी सिन करते हो, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, इतने रुपए जमा करो और एक मंत्र फूंक के कागज लिख के दे देगा पेपर, ये लो मुक्त, अब स्वर्ग जा सकते हो। जैसे बहुत पाप कर ले, और हिंदू धर्म में है कि मुक्ति मिल जाएगी, ये कांड कर लीजिए, ये यज्ञ कर लीजिए, आप फ्री हो जाएंगे, ये चीज है। अब आइए, पाप कर्मियों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बहुत प्रयोग से किताबें बहुत बिकने लगी और लोग अब समझने लगे कि ये सब कमियां हैं, और इस तरह से मार्टिन लूथर खुद एक पहचान प्रोटेस्टेंट धर्म के बन गए। तो ये इम्पोर्टेंस है मार्टिन लूथर का, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगला चैप्टर जो है इसे हम कल पढ़ेंगे, और ये है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखा बेटा, पहले हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े, पॉलिटिकल के बाद रिलीजियस चेंजेस पर, पॉलिटिकल के बाद हमने ये पढ़ा, क्या कहते हैं, पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड कल्चरल थ्योरी पढ़ा, उसके बाद हमने स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस थ्योरी को देखा, और भक्ति मूवमेंट्स तब आ गए। अब अगला आता है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, कैसे रीजनल कल्चर्स डेवलप हुआ। यहाँ पर कल्चर्स जो है आएगा,
जैसे कुछ संप्रदाय हैं, मंदिर की कला है, राजपूताना में नृत्य है, संगीत है, वाद यंत्र है, कथक डांस है, मूर्ति की कला है, इन सब चित्रकला है, इसके ऊपर बात होगी। बंगाल में तो जो वास्तुशिल्प कला है, जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, ठीक है ना, इन सब के ऊपर अब इसमें बात होगी। तो इससे हम समझ में आएगा कि जब तक हम भारत की एकता, अनेकता, विविधता, कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म, विचार, व्यूज नहीं जानेंगे तो हम कैसे कहेंगे वी आर इंडियन। भारत को समझना होगा ना। जब तक मैं आपकी जरूरत को नहीं समझूंगा तो आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, अंधेरे में तीर मारूंगा। पर आपकी जरूरत समझ करके तो पहले तो हमें आप पर स्टडी करनी पड़ेगी, तब ना। तो ऐसे ही है जैसे मिस्टर राहुल गांधी किसी भी चीज की स्टडी नहीं करते और जो मन आता है कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। पर चलिए, ये चैप्टर खत्म हो गया। 5 से 7 मिनट में कोई दूसरा चैप्टर आरंभ तो हो नहीं सकता बेटा, तो क्यों ना हम इसको यहीं पर स्थगित कर दें। तो अब जो है, टुमारो इज योर 9th चैप्टर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, लैंग्वेज, कल्चर, वास्तुशिल्प, मंदिर कला, घर बनाने की कला, पेंटिंग्स, चित्रकला, और खान पान की क्या आदत है किस क्षेत्र में, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।